प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। अभी हम मौजूद हैं इंदिरा नगर के सेक्टर सी आरएलबी कॉलेज पर, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे वोट के साथ साथ लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, साथ में सेल्फी के लिए भी यहां लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने अपने सेल्फी बना रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। ये बात करते हैं कुछ इन लोगों से। बात कर लो। मैम आइए, बात करिए। तो क्या नाम है आपका? चंद्रकला। चंद्रकला जी, इस बार का वोट आपने किस मुद्दों को दिया है? किस मुद्दों पे? क्या जो अच्छा काम करेगा आगे, जिसके बारे में मैंने सोचा, उसी को वोट दिया मैंने। नहीं, आप एक महिलाओं के लिए इस सरकार ने क्या व्यवस्था है, किसकी जानकारी है? महिलाओं के लिए तो ये सरकार जो है कुछ भी नहीं की है, अब आगे जिसको मैंने दिया है शायद वो करे। अच्छा, मतलब बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, बदलाव लाना चाहते हैं। आपने भी वोट किया? मैंने भी वोट किया था, मैंने भी वो उसके लिए वोट किया था, साइकिल के लिए। उस मम्मी ने कहा था, इसलिए साइकिल। जब मम्मी ने कहा तब आपने वोट दे दिया? नहीं, मैं जानती थी। पहली बार वोट दिया? पहली बार नहीं, कई बार दिया है। मैं रीजंस जानती थी कि वो बेटर कर देगा, हम हमारी सिचुएशन को बेटर कर देंगे, इसलिए उनको वोट दिया। नहीं, योगी मोदी जी जैसा कि है तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन महिलाओं के लिए दिए हुए हैं। महिला पिंक बूथ है, पिंक शौचालय है, पिंक गाड़ियां हैं, तो इस तरह की युवाओं और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया। हाँ, लेकिन जिनने यूथ के लिए काम किया है मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया है जी, तो उन्हीं को वोट डाला है। मतलब बदलाव लाएंगे आप? हाँ, मतलब मेरा भी जिसमें फ़ायदा होगा। कौन से चैनल से? जी मैम, प्रभात खबर से है, बताइए आप। आज किस मुद्दों पर आपने वोट किया? मैं तो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया है। बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी अगर सरकार नहीं समझेगी, व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तो फिर वोट या चुनाव का क्या मायने हैं? अगर व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, व्यवस्था वैसे की वैसे चलेगी तो सरकारें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी सरकार आए। व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, तो व्यवस्था के परिवर्तन के लिए मैंने वोट दिया है। तो क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे, क्या बदलाव लाने के बाद क्या व्यवस्था? बदलाव लाने के लिए ही वोट किया है। अच्छा, बदलाव आएगी? बिल्कुल, सरकार बदलाव आएगी तो व्यवस्था। ये मैं नहीं कह सकती अभी, लेकिन व्यवस्था में बदलाव के लिए हमने वोट किया है। जैसे क्या क्या अव्यवस्थाएं इनकी रही हैं? नहीं, मैं किसी का किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम बहुत सड़ा हुआ है। सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे सपा रहे, तो सिस्टम के बदलाव के लिए हम लोग वोट करते हैं। नागरिक होने का ये जो हमारा अधिकार है वो उसके उसका हम यही चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, करप्शन खत्म हो इंडिया से, तो तभी कुछ हो सकता है। करप्शन पे तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंदर खाने में इतने ज़्यादा करप्शन अभी भी सिस्टम में है कि वो उसको आप देख नहीं सकते हैं, वो पर्दे के पीछे चल रहे हैं करप्शन, जिनको आप देख ही नहीं सकते हैं, इतने सात पर्दों के अंदर वो चल रहे हैं। थैंक यू। देखा आपने, आपने बताया कि करप्शन पर अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो करप्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो। बहुत कुछ किया है। नौजवानों के लिए क्या किया? नौजवानों के मन में एक जागरूकता है, हम लोग इलेक्शन में वोट करते हैं बहुत उसके साथ, जोश के साथ, पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिली है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। इस बार की व्यवस्थाएं क्या पहले से अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। इस बार की व्यवस्थाएं अच्छी? हाँ, व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।